अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। नयान का पता बता दे वरना एक एक करके तेरी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। आपके मुताबिक वो अर्तुरुल को जिंदा पकड़ना चाहते थे, तो क्या मेरा बच्चा जिंदा होगा अब तक? उन जालिमों ने ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा? अगर अर्तुरुल को कुछ हुआ तो मर जाऊंगी मैं भी, याद रखना ये बात। जब तक मौत का फरिश्ता रूह ना कब्ज कर ले मेरी, रहम की भीख नहीं मांगूंगा मैं। नोयान को बताना ये सब। कौन है नोयान? वही जो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। काई कबीला यकीनन तुम्हारी बहादुरी का कायल हो जाएगा, क्योंकि तुम बिला खौफ व खतर अपनी जान खतरे में डाल रहे हो सिर्फ अर्तुरुल के लिए। ये मेरा फर्ज है कि मुसीबत में हर मुमकिन मदद करूंगा उनकी। ये तो है, लेकिन अर्तुरुल की मदद करने की वजह से तुम्हारे इस जज्बे की कदर में इजाफा हो गया है मजीद। देखो, अर्तुरुल की शोहरत चंगेज खान के महल से लेकर कोनिया और दमिश्क से लेकर कुस्तुनतुनिया तक है। तुम भी तो अर्तुरुल की तरह जुर्रतमंद हो और उससे ज्यादा समझदार भी। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि हर माँ अपनी औलाद को ज्यादा कामयाब और सरदार बनता देखना चाहती है। सोचना इस बारे में। काश मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकता। आई किस बहन का ख्याल रखो तुम, हम संभाल लेंगे सब इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। दुआन, भाई को साथ लेकर ही आना। अल्लाह निगेबान। अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान पर इस जगह हमला हुआ था। हम 3 मुख्तलिफ समत से जाएंगे। मैं और गुंदोगदू भाई दरमियान में होंगे। हमारे दाएं और बाएं घुड़सवार मौजूद होंगे।
जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन हमारी मदद को आ जाएंगे। खोजी कौन से ले जा रहे हो अपने साथ? हमारे बेहतरीन खोजी शमसा, बजाक और मेरा जांबाज को चबाश। मेरे पास भी बहादुर और जानिसार सिपाही हैं। आप फिक्र ना करें। नोयान अपने दस्ते के साथ तबरीज से आ चुका है। उसकी तैयारियों को देखकर लगता है कि उसका इरादा हमले का है। बहुत मोहतात रहना होगा आपको। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। जिहाद मुबारक हो तुम्हें। कोशिश हमारी है, फतह अल्लाह ताला की। बहुत शुक्रिया मामू जान, इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखना। दुआ कीजिएगा बाबा। फतह तुम्हारा मुकद्दर हो बेटा। शुक्रिया बाबा। इतनी देर से क्यों आए हो तुम? माजरत चाहता हूं भाई। ये कौन है भाई? अर्तुरुल का बेहतरीन जाबाज है। तुम्हारे सरदार के लिए मैंने अपने आदमी खतरे में डाले। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करें भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर हमें इस पर पूरा एतमाद है, तुम भी भरोसा कर सकते हो। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा भाई। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है सैलजान। शुक्रिया ऐतुलन खातून। सुना है तुम अपनी तीन औलादें खो चुकी हो। लगता है तुम्हारे अंदर बच्चे पालने की ताकत ही नहीं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी और फख्र की बात यही होती है कि वो अपने शौहर की नस्ल को आगे बढ़ा सके। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है ऐतुलन खातून। कोई शक नहीं इस बात में। दूसरों के लिए आप इतना परेशान मत हुआ करें। वैसे मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, ज्यादा वक्त नहीं लगा आपको मरहूमा की जगह लेने में। माशाल्लाह। मुझे पता चला है कि तुम बहुत नेक परवीन हो गई हो, लेकिन तुम्हारी इस लंबी जुबान को देखकर शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा सलजान। मगर एक बात जहन नशीन कर लो अपने, तुम्हारी चालाकियां यहां नहीं चलेंगी, ख्याल रखना। रात को दिन और
और दिन को रात बनाने वाले ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तू हर शय पर कादिर है। मुझे जल्द इस आजमाइश से निकाल, मुझे दुश्मन के सामने रुसवा न करना, जालिम के आगे मगलूब होने न देना। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरा कबीला मेरा मुंतजर है, उन्हें इंतजार की इस अजियत से निकाल दे। चाहिए मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे इनके खिलाफ साबित कदम रखना मेरे रब। भाई, मैं हार गई, कबीले को नहीं बचा सकी अपने। ऐसी बातें मत करो हायमा, तुमने डटकर मुकाबला किया है उन गिदड़ों का। उन लोगों ने अगर तुम्हारी एक जान ली तो बदले में तीन जानें ली हैं तुमने। उन लोगों ने तो औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा, शेरों की तरह मुकाबला किया है तुमने। बहुत जल्द इसका हिसाब देना होगा उन्हें। सब जलाकर राख कर डाला, ना सामान बच सका, ना ही खेमे बच सके। हमें बिल्कुल बेआसरा कर दिया उन्होंने। सर्दियां आ रही हैं और हमारे सर पे छत भी नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है हायमा। आयतोलन, तूतेकिन सब हैं तुम्हारे साथ। बचपन गुजरा है तुम्हारा इस कबीले में, यहीं तुम्हारी शादी हुई और अब तुम अपने घर वापस पलट कर आई हो। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी नहीं भूलूंगी आपका एहसान। आयतोलन ने तुम लोगों के लिए खेमों का इंतजाम कर दिया है, तुम जाकर आराम करो। जख्मियों और यतीमों की भी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है और आयतुल्लाह ने यह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह। लड़कियों, अंदर आ जाओ। हायमा खानम को इनके खेमे में ले जाओ, मैं कुछ देर में वहीं आती हूँ। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तूतिकिन अर्तुरुल को भी जल्द सही सलामत वापस ले आएगा। इंशाल्लाह। तुम्हारा शुक्रिया। सब कुछ हमारी तवक्को से भी जल्दी हो गया। कुरकुट साहब, कहना क्या चाहती हैं आप खातून? जो रियासत आप कायम करना चाहते थे, काई कबीले से जिस इत्तेहाद के आप ख्वाहिशमंद थे, सब कुछ खुद ब खुद आपके हक में हो रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं आयतुलन? इन बातों का यही असल वक्त है मेरे सरताज। अगर इन मुश्किल हालात में हमने बरवक्त फैसले ना किए तो काई कबीले जैसा हाल होगा हमारा भी। सारी दुनिया मिल गई मुझे, सारे जहान की खुशियां मेरे दामन में भर गई हैं जैसे। ये बिल्कुल अपनी मां का अक्स है। इसकी मां के जाने के बाद यही मेरे जीने की वजह बनी। इसकी मासूम बातें मुझे जिंदगी की तरफ ले आईं।
चलो मेरे बच्चे, शाबाश, आंखें खोलो ताकि हमें जिंदगी मिल सके। अगर शहीद हो गई है किस, मुझे कसम है उन जालिमों का वजूद मिटा दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, हर जुल्म का हिसाब लूंगा उनसे। आर्तुक, क्या सूरत हाल है? सरदार, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं लेकिन जख्मियों की हालत बहुत नाजुक है, अक्सरियत का बचना मुश्किल है। जो कुछ इनके साथ हुआ है वो आने वाले वक्त में हमारे साथ भी हो सकता है। आपने क्या सोचा है फिर? सुल्तान अलाउद्दीन को पैगाम भेजता हूं मैं। जलालुद्दीन खारजम शाह की मौत के बाद मंगोलों की राह में कोई रुकावट नहीं बची, कोनिया से हमें मदद तलब करनी होगी वरना हम उन जालिम लुटेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। सरदार, काई कबीले का यहां रहना फायदेमंद होगा जिससे हमारी कुव्वत में भी इजाफा होगा। हम काई कबीले के मवेशियों को जमा करके मुनासिब कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं और जरूरी सामान जखीरा कर सकते हैं। सर्दियां भी हमारी मुंतजर हैं, इस कबीले की वजह से काफी फायदा हो सकता है हमें। बेहतर भी यही है आर्तुक, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल का सामना कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आता। इंशाल्लाह कुशादा दिल के साथ कबूल करेगा हमारा कबीला, जिस तरह माजी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और मुहाजिरीनो अंसार एक दूसरे के भाई भाई बन गए थे, हम भी उसी तरह मुत्तहिद हो जाएंगे। जिंदा है मेरा भाई, अर्तुरुल जिंदा है। तुतकिन, उसने हमारे लिए निशानी छोड़ी है, हमें उसके पास जल्दी पहुंचना होगा, जल्दी। वो अर्तुरुल को पैदल ले जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी चलो। अल्लाहु अकबर, चलो जवानों, जल्दी चलो। अल्लाहु अकबर। शुक्र है तुंदार और येकित जंगी तरबियत हासिल करने के लिए गए हुए थे। शुक्र है कि उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है वालिदा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं।
अर्तुरुल भी जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम उसके लिए दुआ करते रहेंगे, मगर हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। कबीले को हमारी बहुत जरूरत है। हम आपके साथ हैं वालिदा। जानती हूं मेरी बच्ची, दोबारा जिरगा तश्कील पाते ही हमें अपने आइंदा का लाए अमल तैयार करना है। हम वादी के नशीबी इलाके में पड़ाव डाल सकते हैं, इस मुश्किल वक्त में हम अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र ना करें वालिदा। वालिदा, कहो मेरी बच्ची। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। क्या बात है बेटा? अर्तुरुल, ये बात आपको खुद बताते तो बेहतर था। ये मेरी ख्वाहिश थी। क्या कहना चाहती हो? कोई बुरी खबर है? उम्मीद से हूं मैं वालिदा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में तूने हमें खुशखबरी अता की तो किसी अबादलों में उम्मीद का चांद दिखा दिया। इस बच्चे को यतीम मत करना मेरे मालिक। हलीमा, मुबारक। अलग होना होगा यहां से, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। गौर से देखो चारों तरफ, अर्तुरुल के बगैर वापस नहीं जाएंगे हम।
खैरियत तो है, रास्ता भूल गए क्या? जो रास्ता भूल जाए वो जंगजू नहीं। तुम अपना ये अंदाज किसी और को दिखाना, ये बात समझ लो कोचाबाश। अगर बातें करने के बजाय अपने सरदार की हिफाजत करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस तरफ कुछ नहीं है, तुम उस तरफ देखो जाकर, और जरा ध्यान से समझे। दरिया के किनारे कोई सुराग नहीं मिला भाई। ये काम आज नहीं किया तो कल बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई, कोई सुराग नहीं मिला भाई। अंधेरा होने तक तलाश जारी रखेंगे। आलीजा, आपका मेहमान पहुंच चुका है। मैं यहां हूं आइकिस। आइकिस, मेरी बच्ची, तुम्हारे पास हूं मैं। मेरी बच्ची, आइकिस, आइकिस, शुक्र है बंसी दुंतार और गेकेत को लेकर तरबियत के लिए तो रोज चला गया। अगर वो यहां होता तो खून की नदियां बहा देता वो भाई। शैतान उकसारा है कि मैं बंसी की तरह बन जाऊं और कोचाबाश का सर फोड़ दूं बिना सोचे समझे। खामोश, सुन लेगा वो।
सुनता है तो सुने। तुम्हें पता है दुहान कि सुलेमान शाह का काई कबीला किस हाल में है आजकल? हम मुहाजिरीन हैं, बेआसरा हैं इस वक्त। हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। आपके जांबाज बहुत बेसब्र हैं भाई, समंदर में सुई तलाश करना आसान नहीं। ये सब अर्तुरुल के वफादार साथी हैं, दुआन, बमसी, तुर्गुत। अर्तुरुल इन्हें अपने भाइयों की तरह समझता है। क्या पता अर्तुरुल जिंदा भी है या नहीं, लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं भाई। अगर कबीले को कोई इस वक्त मुसीबत से निकाल सकता है तो वह आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता भाई। आपकी इस मुश्किल घड़ी में मैं और बाबा आपके साथ हैं। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। सही कहा तुमने, अब हमारे मुत्तहिद होने का वक्त आ चुका है। अब तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी वजह यही थी कि हमारे दरमियान इत्तेहाद की कमी रही है। हाँ, जहां तक बात है मेरे भाई अर्तुरुल की, शायद तुम अभी उसे जानते नहीं। वो हर मुश्किल बहुत आसानी से हल कर लेता है। देखना इस शैतान के जाल से भी बचकर निकल आएगा इंशाल्लाह भाई। अर्तुरुल एक बहादुर शख्स है, वो खैरियत से होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि मौसम सरमा हम साथ ही गुजारें, हमारा खाना और पानी सब कुछ मुश्तर का हो। मंगोलों के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। जाड़े बहुत सख्त होते हैं यहाँ, बाहर के मौसम में जंग हमारी मुंतजर होगी। अलाउद्दीन के लश्कर के साथ मिलकर मंगोलों को मजा चका देंगे हम। जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। चलो चलो। इस गीदड़ को मैंने झाड़ियों के पीछे से पकड़ा, हमारी बातें सुन रहा था। जल्दी बताओ, नोयान के आदमी हो ना तुम? इसका नाम गेकली है, दीवानों की तरह बस यहां वहां घूमता फिरता है। लेकिन हाँ, इसे पकड़ने में आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। सुराग लगाने में तो तुम नाकाम रहे, लेकिन इसे पकड़ने की दाद देनी पड़ेगी। एक बात और बता दूं, ये हिरन से तेज और लोमड़ी से ज्यादा चालाक है। कभी भी इससे दोबारा उलझने की कोशिश मत करना। माफ करना भाई मुझे। अभी बताता हूं। दुआन, छोड़ो उसे, खाना खाओ। जैसा आप कहें भाई। मत चलाओ, हमने तुम्हारी क्या बताया।
हमारे बच्चों को हमारी मदद कर, मदद कर। मैं तुम्हारा ही मुंतजर था मेरे दोस्त। कौन हो तुम? नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल। अच्छा तो तुम हो नोयान? सही पहचाना, इस जहन्नुम का शैतान। भाई, कारवान सराय से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बताया था इसे, लेकिन भाई इसने मेरी बात नहीं सुनी। इस कोचाबाज की वजह से अगर अर्तुरुल भाई को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे जिंदा जला दूंगा। धुआं, याद रखो कि अगर तुमने अब इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हें वापस कबीले भेज दूंगा, समझे? फौरन निकलना होगा हमें। क्या करूं इस आदमी का मैं? मंगोलों की सल्तनत में खुशामदीद। मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम जैसे अजीम जंगजू से मिलकर मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। मुझसे क्या चाहते हो तुम? दोस्ती के अलावा मुझे तुमसे और कोई भी गर्ज नहीं है तुर्क। हम मंगोल दोस्त और दुश्मन बड़ी समझदारी से चुनते हैं। हम चाहते हैं कि अर्तुरुल से हमारी दोस्ती हो जाए। दोस्ती तो दूर की बात है, तुम दुश्मनी के भी लायक नहीं। कोई उजलत नहीं है मुझे अर्तुरुल, अच्छी तरह सोच लो। पानी पिलाओ इसे। मैंने सुना था तुम आसानी से हार नहीं मानते। कुछ घोड़सवार इस तरफ आ रहे हैं। तुम्हारे आदमी तलाश कर रहे हैं तुम्हें।
काश तुम्हें ढूंढ भी सकते। जब तक तुर्क तुम जैसे बदजातों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, फतह हमारी ही होगी हमेशा। मुखालिफ सम्तों में तकसीम हो जाओ, कोई निशान ना रहे। भाई, 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 भाई। मैं अपने भाई को साथ नहीं ला सका। अपने अगर उसकी मौत का इंतकाम मैं उनसे न ले सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे।